सारे आपने कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। बच्चों हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी किसके बारे में, स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन, उसमें सारी क्लैरिटी होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम कुछ मास वाले टर्म्स पढ़े, एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, मास ऑफ वन एटम होता है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास 6.022 × 10³ एटम्स का मास क्या होता है भाई, ग्राम एटॉमिक मास होता है। ऐसे जीएमएम क्या होता है बच्चों, 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है, जीएमएम होता है। किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, मैंने 1 EMU की डेफिनेशन समझाई थी आपको, इट इज बेसिकली द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप का एक एटम का मास निकालो, उसको 12 से डिवाइड कर दो। ये हमने 1 EMU सीखा था, रिलेटिव एटॉमिक मास सीखा था। आज का जो सेशन है बच्चों, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं मोल का कैलकुलेशन, किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं भाई, मोल का कैलकुलेशन, ठीक है। किस तरीके से मोल का कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में डिस्कशन है हमारा। स्टार्ट करते हैं सेशन, चलो। तो हेडिंग डालो बच्चों सब लोग, कॉपी पेन लेके कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाओ और डिफाइन करते हैं अपन मोल। मोल क्या होता है भाई, तो पहले मोल की डेफिनेशन लिखो फिर मैं समझाता हूँ, है ना। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हेडिंग लगा ली सब लोग, पहले हेडिंग लगाइए सब लोग मोल। इस पे लिखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 × 10³ एंटिटीज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 × 10³ एंटिटीज। अब वो एंटिटीज क्या हो सकती है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 × 10³ एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जैसे बच्चों आपकी 12 क्वांटिटीज मिलके 1 dozen बनाती थी, याद है, 1 dozen, 1 दर्जन बोलते हैं। मम्मी ने बोला बेटा 6 केले लेते आना, पूजा है घर पे, ठीक है। एक क्वांटिटी में 1 dozen का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, एक क्वांटिटी में 1/12 dozen आएगा, है कि नहीं। तो बताओ सिक्स क्वांटिटी में बच्चों आपको 6 केले लाने थे, मतलब आपको 1/2 dozen केला लाना था। क्या लाना था बच्चों, 1/2 dozen केला लाना था। तो ऐसे ही जैसे 12 क्वांटिटी को 1 dozen डिफाइन कर दिया गया, वैसे ही 6.022 × 10³ क्वांटिटीज को क्या डिफाइन कर दिया गया बच्चों, इसको डिफाइन कर दिया गया आपका, बताओ, 1 mole। बस इस नंबर को एक नया नाम दे दिया गया, नया नामकरण कर दिया गया। इतना लंबा नंबर कौन बोले भाई, 1 mole बोल दो इसको। एक क्वांटिटी में कितना मोल आता है बेटा, एक क्वांटिटी में। अब इस क्वांटिटी को मैं एवोगैड्रो नंबर बोल देता हूं, इसको NA से रिप्रेजेंट करूंगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो एक क्वांटिटी में बेटा मोल का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1/NA mole आ गया, 1/NA mole आ गए। तो आपसे पूछा जाए बेटा एक्स क्वांटिटी में कितने मोल आ जाएंगे बच्चों, एक क्वांटिटी में 1/NA mole, 6 केले लेने गए थे, है कि नहीं। तो x/NA mole क्या हो जाएंगे, x/NA mole। तो इस तरीके से हमने मोल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया बच्चों, मोल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, क्लियर है। क्या फॉर्मूला डिराइव किया, ध्यान से सुनिएगा क्या फॉर्मूला डिराइव किया बताओ, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर एक्स क्या था बेटा, जो क्वांटिटी आप लेने गए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10³ क्वांटिटी मिलके 1 mole बनाती है, मतलब NA क्वांटिटी 1 mole बनाती है। तो x क्वांटिटी में मोल कितने आएंगे, x/NA कितने आएंगे बच्चों, x/NA। इस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया बच्चों, किसका, बताओ, मोल निकालने का। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों, ठीक, लिख डालो।
ये हमने मोल नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालना एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, अभी मैंने बताया एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? श्योर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे क्या बोल रहा हूँ बच्चों, हाँ अब देखो यदि एटम है तो मोल एटम वर्ड यूज करेंगे, एटम के मोल, मोल एटम मतलब एटम के मोल, यदि पार्टिकल्स एटम होगा तो मोल एटम। बेटा इसको एक टर्म और बोला जाता है ग्राम एटम, क्या बोला जाता है बच्चों? ग्राम एटम। मोल एटम को एक वर्ड और क्या बोला जाता है बच्चों? ग्राम एटम। तो ग्राम एटम क्या होता है बेटा? बेसिकली ग्राम कोई मास नहीं होता, ये नंबर ऑफ मोल ही होता है। ग्राम एटम वर्ड लिखा हुआ तो वो कोई मास नहीं है, वो क्या है? नंबर ऑफ मोल ही है। ठीक है, क्या फॉर्मूला जाएगा बच्चा बताओ बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? हाँ। अब बच्चों देखो अगला पॉइंट क्या बोलने जा रहा हूं, अगला पॉइंट क्या बोलने जा रहा हूं, मोल मॉलिक्यूल। मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के कितने मोल हैं, और उसको एक वर्ड और बोला जाता है बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है? ग्राम मॉलिक्यूल। और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कितने मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइड बाय एनए कर दो, आपको मॉलिक्यूल के मोल पता चल जाएंगे। और मॉलिक्यूल के मोल को और क्या डिफाइन कर दिया गया? ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मोल आयंस क्या हो जाएंगे? मोल आयंस हो जाएंगे नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं मोल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मोल कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है बच्चों? ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं मोल प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इस तरीके से मोल निकाल सकते हैं। एन ए क्वांटिटी मिलकर वन मोल बनाती है, तो एक्स क्वांटिटी कितना मोल होगी? एक्स बाय एन ए, एक्स बाय एन ए। लिख डालो ये सारी चीजें, सारी चीजें लिख डालो, फिर एक कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं ना अपन। क्लियर है फंडा? मोल प्रोटॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। चलो अब देखो बच्चों, अब थोड़ा कंसंट्रेशन और बढ़ा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मेरे पास है बेटा एक मॉलिक्यूल H2SO4 का, मेरे पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 का, और मेरे पास है बेटा Na मॉलिक्यूल H2SO4 के, Na मॉलिक्यूल H2SO4 के। डिफरेंस समझ रहे हो? वहां पे केवल एक मॉलिक्यूल लिया, और यहां पे बेटा 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो यहां पे क्या है बेटा? Na मॉलिक्यूल है H2SO4 के। तो बताओ, ध्यान से देखना, दो तरीके हो सकते हैं चीजों को सॉल्व करने के। एटम के बारे में हमको इंफॉर्मेशन पता करना है बेटा, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, तो बताओ मोल ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना, H2SO4 के मोल निकाल रहा हूं, कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? तो बताओ बच्चों, मोल ऑफ H2SO4 आ गया 1 Na। अच्छा अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यदि मैं आपसे बोलता था बेटा एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, H2SO4 का यदि एक मॉलिक्यूल है तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम, चार ऑक्सीजन एटम होते हैं। ये तो पता है ना, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम और चार ऑक्सीजन एटम। जैसे मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? यदि मॉलिक्यूल से आप एटम निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल से एटम निकाल सकते हो, वैसे ही मोल मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हो? मोल मॉलिक्यूल से आप मोल एटम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बच्चों? मोल एटम। जैसे मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, तो दो हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है, चार ऑक्सीजन एटम है। वैसे ही यदि मैं आपसे बोल दूं एक मोल H2SO4 है, यदि मैं आपसे बोल दूं एक मोल H2SO4 है, तो हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे? मोल से क्या निकलता है? मोल निकलता है। मतलब मॉलिक्यूल के मोल से एटम का मोल निकलता है, मॉलिक्यूल के मोल से एटम का मोल निकलता है बच्चों, ये दिमाग में क्लियरिटी रख लो। तो बताओ यदि एक मोल H2SO4 होता है, एक मोल है नहीं, यदि एक मोल H2SO4 होता तो एक मोल, दो मोल हाइड्रोजन एटम होते, एक मोल सल्फर एटम, चार मोल ऑक्सीजन एटम।
तो बताओ यदि 1/Na मोल है H2SO4 के, तो हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे? 2Na। कैसे बेटा? जैसे एक मोल दो मोल हाइड्रोजन एटम देता है तो 1/Na कितना देगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, 2Na आ जाएगा। क्लियर है? हाँ बच्चों, मोल ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा बच्चों? मोल ऑफ सल्फर एटम हो जाएगा 1/Na। बेटा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा बच्चों 4/Na। क्या हो जाएगा? 4/Na। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आई? चलो अब एक और तरी, हाँ ध्यान से सुनना ना। बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आ जाएंगे? बताओ क्या फॉर्मूला होता है? मोल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एन ए। एटम के मोल पता चल गए, यारा फॉर्मूला सोचो, मोल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे आ जाएंगे बेटा? मोल में एन ए मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा बच्चों? 2/Na × Na, दैट इज क्या बच्चों? दैट इज 2। ऐसे मोल ऑफ सल्फर एटम, सॉरी नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ सल्फर एटम आ जाएंगे बच्चों 1, और ये आने भी चाहिए थे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे बच्चों? 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे बच्चों? 4। ये आने भी चाहिए थे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, आपने एक मॉलिक्यूल ही लिया, तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, आए क्या? 2 आए। उसमें एक सल्फर एटम होते हैं, एक सल्फर एटम। उसमें चार ऑक्सीजन एटम होते हैं, चार ऑक्सीजन एटम। तो मॉलिक्यूल से एटम्स निकलते हैं, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं, वैसे मोल मॉलिक्यूल से मोल एटम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बच्चों? मोल एटम निकाल सकते हो। बताओ यदि मैं डायरेक्टली कर लेता इसको, है ना, मैं एक मॉलिक्यूल H2SO4 है, तो डायरेक्टली मैं बोल देता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा तरीका क्या होता? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सर 2 है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल लिया है। नंबर ऑफ सल्फर एटम सर एक ही आएंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल लिया है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सर 4 आएंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल लिया है। अब मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल निकालने का तरीका क्या है? मोल निकालने का तरीका क्या है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 2/Na। मोल ऑफ सल्फर एटम कितने आ जाएंगे बच्चों? मोल ऑफ सल्फर एटम आ जाएंगे बच्चों 1/Na। और मोल ऑफ बेटा ऑक्सीजन एटम कैसे जाएंगे? क्या कर रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर का, 4/Na। समझने का तरीका देख रहा हूं, दो तरीके से रिलेट करवाया, मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल डायरेक्टली निकाल सकते हो, या फिर मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, फिर मोल निकालने के लिए एन ए से डिवाइड करते चलो, तो बताओ टोटल मोल ऑफ एटम कितने जाएंगे? टोटल मोल ऑफ एटम कैसे निकालोगे? टोटल मोल ऑफ एटम हो जाएंगे बच्चों, बताओ सारे एटम के मोल जोड़ दो, 2/Na प्लस 1/Na प्लस 4/Na, कितना जाएगा? 7/Na। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और टोटल नंबर ऑफ एटम पूछता तो 4, 5, 2, 7, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? मोल एटम और नंबर ऑफ एटम में फर्क है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने जाएंगे बच्चों? 7 आ जाएंगे। कितना जाएंगे? 7 आ जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आई? इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल डायरेक्टली निकाल सकते हो, जिस प्रकार से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। क्लियर है? अब अगला केस क्या लिया था मैंने, पहले ये लिखो आप, फिर बताता हूं अगला केस क्या लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, अब मैंने क्या लिया था अगला केस, Na मॉलिक्यूल H2SO4 के, दो तरीके हैं इसके। Na मॉलिक्यूल ले लिए थे बच्चों आपने H2SO4 के, क्लियर है? दो तरीके हैं यहां पे भी, क्लियर है बेटा? एक तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। तो बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आ जाएंगे, जल्दी बताओ? एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम देता है, एक बकेट में दो बॉल, तो 10 बकेट में, सब में दो दो बॉल हैं, तो 10 बकेट में टोटल कितने हो जाएंगे? 20 बॉल। एक बकेट में दो बॉल, तो Na में 2Na। मॉलिक्यूल के नंबर से एटम का नंबर डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो बताओ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए बच्चों? मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na, 2Na डिवाइड बाय Na, दैट इज क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया।
है कि नहीं बताओ बच्चों, नंबर ऑफ सल्फर एटम बेटा कितने हैं? एक मॉलिक्यूल एक सल्फर एटम देता तो एने कितने देंगे बेटा? एने। तो मोल ऑफ सल्फर एटम कितने आ गए बच्चों? मोल ऑफ सल्फर एटम आ गए आपके बताओ एने डिवाइड बाय एने, कितने आ गए बच्चों? 1 आ गए। क्लियर है? नंबर ऑफ बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए 4Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन एटम देता तो Na कितने देंगे? 4Na। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए बच्चों? 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए बच्चों? टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4Na प्लस Na। बताओ नंबर ऑफ एटम्स कौन है? ये है, वो तो मोल है। कितने आ गए बेटा? 7Na। कितने आ गए? 7Na। टोटल मोल ऑफ एटम कितने आ गए? एटम्स के टोटल मोल कितने हो जाएंगे? टोटल मोल ऑफ एटम्स हो जाएंगे बच्चों कितने? 7। कितने हो जाएंगे? 7। बात समझ में आई? 2+3 मोल के लिए, टोटल मोल पूछ रहा तो मोल जोड़ दो, टोटल एटम पूछ रहा तो नंबर ऑफ एटम्स जोड़ दो। अब इस तरीके से भी तो कर सकते थे अपन। क्या मोल ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे बेटा? मोल ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na क्वांटिटी दे रखी है तो ऑब्वियसली 1 मोल आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और Na ही मॉलिक्यूल है। मैंने क्या बोला था? मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक मोल H2SO4 दो मोल क्या देता है? हाइड्रोजन देता है, और एक्चुअल में मोल कितने? 1 है। तो हाइड्रोजन भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। मोल ऑफ सल्फर बेटा कितने आ जाएंगे? मोल ऑफ सल्फर आ जाएंगे 1। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे बच्चों? 4 आ जाएंगे। मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। क्लियर है? तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आ गए? कैसे निकालोगे? मोल से नंबर की तरफ जाना है, जब भी मोल से नंबर की तरफ जाना है तो Na से मल्टीप्लाई करते चलो, 2Na। कैसे भी कर लो भाई वही आएगा। नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हो गए बच्चों? नंबर ऑफ सल्फर एटम हो गए बच्चों Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 4Na। क्या हो गए? 4Na। कैसे ही कर लो भाई आंसर आने वाला है, वही आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करा, पहले मॉलिक्यूल के मोल निकाल लिए, और मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल डायरेक्टली निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करा, पहले एक मॉलिक्यूल में कितने एटम रहते वो पता कर लिया, Na के हिसाब से कितने एटम आएंगे वो पता करा, देन मोल पे गया। क्लियर है? तो दोनों तरीके हैं, क्लियरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की। समझ में आ रही बात? लिख डालो ये। तो इस वीडियो में क्या डिस्कस किया बच्चों हमने? इस वीडियो में डिस्कस किया कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों तो कैसे अपन मोल का कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉपर इसको रिवाइज करो बच्चों, देन अगला अपन डिस्कस करेंगे मास जब दिया हो, जब वॉल्यूम दिया हो तो किस तरीके से मोल का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।